आज हम इस कोरोना महामारी के दौर में स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। तो मिस्टर राम प्रसाद कुशवाहा सर, प्लीज गो अहेड। यस सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ सभी को, हमारे परम मित्र मुकेश पाटिल जी और डायरेक्टर केतन पाटिल सर, सभी को धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके सोसाइटी की तरफ से आज एक स्पीकर के रूप में प्रेजेंट हूँ। तो आज दोस्तों हम बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट इन पैंडेमिक सिचुएशंस की, क्योंकि आज का जो माहौल है, माहौल को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि कहीं भी हम कुछ करते हैं तो हमें जो है तो हर जगह से एक स्ट्रेसफुल सिचुएशंस क्रिएट होती है। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं सबसे पहले हार्टली कंडोलेंस या दिल से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो आज जिस कोरोना महामारी के दौर में हमारे कोरोना वॉरियर्स शहीद हुए हैं और जितने भी आज देश में नागरिक शहीद हुए हैं, मैं उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। क्योंकि आज कहीं ना कहीं इस महामारी के दौर में हमारे देश के लोग काफ़ी ज़्यादा बुरे दौर से गुजर रहे हैं और उसी के संबंध में हम स्ट्रेस मैनेजमेंट इन पैंडेमिक सिचुएशंस के बारे में हम बात करेंगे। चाहूँगा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसका फर्स्ट है स्लाइड में, इसका कंटेंट होगा हमारा, जिसमें हम स्ट्रेस मैनेजमेंट सिचुएशन इन पैंडेमिक सिचुएशन में हम बात करेंगे। तो इसमें पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, कॉजेस और सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, कॉपिंग स्ट्रेटजी ऑफ स्ट्रेस, सेल्फ कंट्रोल ऑफ मोटिवेशन, बेनिफिट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन नर्सिंग एंड स्ट्रेस साइकिल, कंक्लूजन। ये हमारे एक कंटेंट्स हैं और इसी के अंतर्गत जो है तो हम बात करेंगे। नेक्स्ट, पहला है इसमें इंट्रोडक्शन। राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टिल द लास्ट ब्रीथ डाउन, इंडिविजुअल इन द इनवेरिएबली एक्सपोज टू वेरियस स्ट्रेस सिचुएशन, द मॉडर्न वर्ल्ड विच इज सेट टू बी वन ऑफ अचीवमेंट इज ऑल्सो वर्ल्ड ऑफ द स्ट्रेस एंड हैज बीन कॉल्ड द एंजाइटी ऑफ एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस इज फैक्ट लाइफ ऑफ वेयर एवर यू आर द वेदर आर द डूइंग यू कैन नॉट अवॉइड स्ट्रेस, यू कैन लर्न टू मैनेज इज सो इट डजंट मैनेज यू। स्ट्रेस आज हमारा जो हम एक स्ट्रेस सिचुएशन की बात करते हैं पैंडेमिक सिचुएशन की, तो स्ट्रेस आज एक तरह से हम कहते हैं कि जो बच्चा बर्थ लेता है, बर्थ से उसकी लास्ट ब्रीथ, मतलब जब तक उसकी लास्ट सांस चलती रहती है तब तक वो एक इंसान जो है तो बर्थ से स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहता है। और आज के जो विश्व में यदि हम बात करें, इसी तरह से ये कोई पर्टिकुलर एक जैसा नहीं है या एक कंडीशन या एक स्टेट नहीं है, ये एक प्रोसेस होता है जिसके तहत जो है तो पूरे विश्व के लोग इसमें सफर करते हैं। एक या हम इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें आज हमें इसमें सीखने की जरूरत है और एक अडॉप्ट करने की जरूरत है और हमें इस स्ट्रेसफुल कंडीशन को मैनेज करते हुए हमें अपने लाइफ में जाने की जरूरत है। इसी कंडीशन को हम नेक्स्ट हम बोलेंगे कि डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस में है। स्ट्रेस इज द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ अवर बॉडी एनी स्ट्रेस इज द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी काइंड ऑफ डिमांड मेड अपॉन इट। सेकंड इज
स्ट्रेस इज द स्टेट ऑफ स्ट्रेन वेदर इट इज साइकोलॉजिकल और सॉरी फिजिकल और साइकोलॉजिकल. स्ट्रेस जो है हमारे बॉडी का नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, कोई ऐसा पर्टिकुलर डिसीज नहीं. स्ट्रेस जो है एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है जो कभी भी किसी भी कंडीशन में हो सकता है. ये फिजिकली भी हो सकता है, साइकोलॉजिकली भी हो सकता है, कि मतलब किसी भी कंडीशन में ही स्ट्रेसफुल कंडीशन में हम सफर कर सकते हैं. जैसे एक पैंडेमिक सिचुएशन जो चल रहा है तो उसमें क्या होता है कि जैसे लोगों का हर तरह से जिस तरह से जीवन अस्त व्यस्त है, कहीं किसी का जॉब जा रहा है, किसी कहीं अपने लोगों का खोने का डर होता है, कहीं किसी का लोग एक्सपायर कर जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, उस कंडीशन में हमारा बॉडी क्या रिएक्ट करता है, जो या जो भी रिएक्ट करता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेसफुल, स्ट्रेस कहते हैं. और स्ट्रेस ये जो है तो फिजिकली, जैसे कि हमने पहले ही बोला था कि स्ट्रेस इज नॉट अ डिसीज, ये क्या है, एक लाइफ में हमारा एक रिस्पॉन्स है, नॉट इन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, बॉडी का रिस्पॉन्स कुछ समय तक, कुछ सेकंड या कुछ आवर तक रहता है. इसके बाद जैसे हमारे कंडीशन चेंज होती है उसके बाद जो है तो ये बदलता रहता है. फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस. कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस में है स्ट्रेस इज द यूनिवर्सल फेनोमेना. स्ट्रेस कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. स्ट्रेस इज प्रोड्यूस बाई होल पर्सन इज दैट इज इन ऑल ह्यूमन डायमेंशन, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड स्पिरिचुअल. स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस हमने जैसे पहले ही बोला था, स्ट्रेस एक यूनिवर्सल फेनोमिना या यूनिवर्सल प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन बीइंग या लाइव बीइंग. जो पर्सन जीवित है या जो पर्सन इस दुनिया में जीवित है वो उसका एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम रहता है. और ये जो है तो एक पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है. इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं कि पर्टिकुलरली पॉजिटिव ही होगा या निगेटिव ही होगा. और ये जो है तो एक इंसान का पूरा लाइफ हर तरह से फिजिकली मेंटली रूप से अफेक्ट करता है. जैसे फिजिकली हो गया, इमोशनली हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, सोशल एंड स्पिरिचुअल, हर तरह से ये स्ट्रेस जो है तो एक इंसान को प्रभावित करता है. यदि जो व्यक्ति स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है तो उसका कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या उनका मेमोरी पावर या जैसे हम बोल सकते हैं इनका कॉग्निशन पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है. उनका फिजिकली रूप से कोई उनमें काम करने के मन या उस तरह से बॉडी प्रॉपर तरीके से रिएक्ट नहीं करता. जो हमारे हार्मोन्स होते हैं या जो हमारे केमिकल्स होते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये सारी चीजें डिस्टर्ब होती है, जिससे कि इंसान जो है तो फिजिकली और मेंटली रूप से डिस्टर्ब होता है. फिर इसके बाद नेक्स्ट, फिर इसमें है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में है मेनली हम जो है तो तीन टाइप्स में बात करेंगे. एक्यूट स्ट्रेस, एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस, फिर है नेक्स्ट क्रोनिक स्ट्रेस. इसमें और भी टाइप्स होते हैं, यदि हम बात करेंगे तो काफी टाइम होगा, लेकिन जो इस समय हमारे वर्तमान कंडीशन में क्रिएट होता है सबसे ज्यादा है इसमें एक्यूट स्ट्रेस, एपिसोडिक एंड एक्यूट स्ट्रेस और क्रोनिक स्ट्रेस. तो इसमें सबसे पहला है स्ट्रेस है एक्यूट स्ट्रेस. एक्यूट स्ट्रेस क्या होता है? एक्यूट सडनली, अचानक, कुछ समय के लिए या कुछ घंटों के लिए होता है. जैसे इसमें इट्स अवर बॉडी इमीडिएट रिएक्शन टू ए न्यू चैलेंजेस इवेंट और डिमांड एंड इट ट्रिगर योर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस. एग्जाम्पल प्रेशर ऑफ एन नियर मिस, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट और आर्गुमेंट विद फैमिली. इसका सबसे ज्यादा हमने बोला था कि इमीडिएटली होता है, कुछ समय के लिए होता है. इसमें कुछ घंटों के लिए होगा या हम कुछ सेकंड के लिए होगा. जैसे कोई कहीं हम जाते हैं, यहाँ से हमें जाना है जबलपुर या कहीं भी जाना, हमें काफी इमरजेंसी है, एग्जाम देने जाना है, तो उस समय हमारी ट्रेन मिस हो जाए. या इस समय हम पैंडेमिक कंडीशन में बोले कि हम हमारे घर में आसपास किसी को कोरोना पॉजिटिव आ जाए, तो हम तुरंत उस समय स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं. तुरंत हम जो है तो तनाव में आ जाते हैं कि अरे यार बताओ, आसपास के लोगों को भी, हमारे पड़ोसी को कोरोना हो गया तो हमारे घर वालों को भी हो सकता है या और भी आसपास के लोगों को होगा. तो ये क्या है? एक्यूट कंडीशन हो जाएगा. आर्गुमेंट विद फैमिली, आर्गुमेंट विद फैमिली, जैसे हस्बैंड वाइफ या फैमिली में कुछ ऐसी घटना घट जाए, या फैमिली मेंबर में किसी को कोरोना हो जाए, या फैमिली मेंबर में एक पर्सन है जो कमाने वाला है, उसका जॉब चला जाए या उसका बिजनेस ना हो, पैसे ना हो, उस कंडीशन में भी हम बोलते हैं इसको एक्यूट स्ट्रेस बोला जाएगा. फिर है नेक्स्ट एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस. इसमें व्हेन एक्यूट स्ट्रेस हैपन फ्रीक्वेंटली
इट्स कॉल्ड एपिसोडिक स्ट्रेस। ये क्या है? एपिसोडिक, जैसे हम बोलते हैं एक एपिसोड चलता है, कोई भी नाटक चलता है, कोई सीरियल चलता है, हर आधे घंटे का 15 मिनट चलता है, सेम कंडीशन होता है। ये फ्रिक्वेंटली धीरे धीरे कुछ समय के लिए रहता है। कुछ हमने अभी सुना किसी के बारे में कि उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया, या उसके फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया, या किसी को कुछ हो गया, कुछ समय के लिए हमारे दिमाग में रहेगा, एक सेकंड के लिए रहेगा या एक घंटे तक, अभी जब तक हमें याद रहेगा, तो फिर हमें उस चीज के बारे में हमें पता चलेगा, और फिर जैसे हमें भूल जाएगा कुछ समय के लिए, फिर एक कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए कुछ भूल जाता है। फिर है क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस, क्रोनिक का मतलब होता है कि एट लॉन्ग टाइम, ये एक महीना भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, या एक दो साल भी हो सकता है, ये कोई पर्टिकुलर एक अभी नया नहीं है, ये हम ऐसा बोल सकते हैं ओल्ड, मतलब ये पुराने समय पुराना होगा। इसमें है इट एक्यूट स्ट्रेस, तो ये रहेगा तो इसके लॉन्ग टाइम रहेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉजेस और स्ट्रेस, कॉजेस और या सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस, मतलब कि कौन सा ऐसे कॉजेस है या सोर्स है जिससे कि इसमें स्ट्रेस क्रिएट होता है। पहला है इसमें एक्सटर्नल कॉजेस, और दूसरा इसमें है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटरनल कॉजेस। इसमें एक कॉमन स्ट्रेस कॉजेस है, इसमें मेजर लाइफ चेंजेस, वर्क और स्कूल कॉलेज, रिलेशनशिप डिफिकल्टीज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बीइंग टू बिजी इन लाइफ, चिल्ड्रन और फैमिली एनवायरनमेंट। इसमें एक चीज होता है कि कई बार एक्सटर्नल रिसोर्सेस में आता है कि जो हमारी लाइफ इस पैंडेमिक सिचुएशंस में, कोरोना में जिस तरह से लॉक हो गई है, हमारा सब कुछ छूट गया है, हम ना तो हम घर जा पा रहे हैं, ना हमारा बच्चों का पढ़ाई का कुछ हो पा रहा है, ना तो हमारी जॉब मिल पा रही, ना तो पैसे का इनकम है, हर तरह से हम जो है तो हमारी लाइफ चेंज हो गई है। अभी तक हम घूमते थे, भागते थे इधर उधर, लेकिन ये मेजर लाइफ चेंजेस सबसे ज्यादा इसमें हमारी प्रॉब्लम होती है। फिर है सेकंड इंटरनल। इंटरनल मतलब होता है इंसान जैसे कि हाउ टू फील योर सेल्फ, मतलब खुद में कैसा फील करता है, तो इसमें क्रोनिक बोरिंग, निगेटिव सेल्फ टॉक, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, रिजिड थिंकिंग, ये सारी चीज होती है एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इसमें क्या होता है, जब हम कई बार हम घरों में लॉक रहते हैं, अभी एक बोला था कि 24 घंटे हमें घरों में लॉक रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना, किसी से मिलना नहीं है, तो ये सारी चीजें होती हैं कि हमारा जो है तो स्ट्रेस एक्सटर्नल कॉजेस होते हैं। फिर है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। साइन एंड सिम्टम्स मतलब होता है कौन से ऐसे लक्षण हैं या हमारे लक्षण हैं जिससे कि हमें जो है तो हम स्ट्रेस को पहचान सकते हैं। तो इसमें पहला है फ्रिक्वेंट हेडेक, बॉडी एक, चेस्ट पेन और पाल्पिटेशन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग या सांस लेने में दिक्कत होना, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा लेटेस्ट देखा जाता है जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होता है या कोरोना से उसको टेंशन होता है या घबराहट फील होता है, तो उस कंडीशन में उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग सबसे ज्यादा उसका होता है, SpO2 सेचुरेशन लेवल काफी ज्यादा उसमें अफेक्टेड होता है, इंक्रीज इन स्मोकिंग और एल्कोहल, इंसोमनिया मीन्स प्रॉपर नींद नहीं आना, वेट गेन या वेट लॉस, ग्रीटिंग एंड ग्रीटिंग टीथ, ये सारे इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं जो नॉर्मली एक इंसान से हम पहचान सकते हैं कि स्ट्रेस क्या है। फिर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस का इसका कंटिन्यू है, मतलब इसमें फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, डेमनेंस, सेक्सुअल डिजायर, या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं डिक्रीज लिबिडो, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, नोजिया और वोमिटिंग, कोल्ड और स्वीटी हैंड, फिट, सोशल विड्रॉवल और आइसोलेशन, हाइपरटेंशन, जो इसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाना, और ड्राई माउथ और अल्सर, ये इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जो कि एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में जो व्यक्ति सफर कर रहा होता है तो उसको जो है तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, या हम अपने आप में या एक दूसरे से हम ये चीजें पहचान सकते हैं कि हम जो है तो स्ट्रेसफुल कंडीशन में कैसे साइन एंड सिम्टम्स या उसके लक्षण और चिन्ह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, फिर है इसमें मेन चीज होती है सबसे ज्यादा, जैसे हमने अभी पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस, उसकी डेफिनेशन परिभाषा क्या होती है, कॉजेस या सोर्स ऑफ स्ट्रेस, और फिर हमने इसका साइन एंड सिम्टम्स, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को हमें मैनेज कैसे करना है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा देखा जाता है हर घर घर में इंसान जो है स्ट्रेसफुल कंडीशन में सफर कर रहा है,
क्योंकि ये जो पैंडेमिक डिसीज है या महामारी है, ये हर एक इंसान को जो है तो कहीं ना कहीं से अफेक्टेड करती है, प्रभावित करती है। लोग इससे फिजिकली रूप से या साइकोलॉजिकली रूप से हर तरह से सफर करते हैं। तो इसमें पहला है स्ट्रेस रिलीफ कैटेगरी, इसमें कई कैटेगरी के रूप में डिवाइड किया है। स्ट्रेस रिलीफ कैटेगरी में पहला है बॉडी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। बॉडी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज में आपका ब्रीदिंग टेक्निक, जिसको हम बोलते हैं हमारी मेडिकल फील्ड में हम बोलते हैं कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब हम करते हैं, म्यूजिक एंड डांस थेरेपी, एरोमा थेरेपी या इसी को हम मसाज थेरेपी भी बोलते हैं, लॉफिंग थेरेपी। फिर सेकंड है फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा आज के डेट में यदि पॉन्डेमिक सिचुएशन या इस महामारी के दौर में यदि हमें अपने आप को हेल्दी करना है या हेल्थफुल लाइफ रखना है तो हमें सबसे ज्यादा करने की जरूरत है योगा, वर्कआउट रूटीन, सूर्य नमस्कार जो अपन करते हैं मिनिमम 10 कर लिया जाए, मेडिटेशन। जैसा कि ये सूर्य नमस्कार की स्थिति हमने इसमें दिखाया है, इसकी जो 12th सिचुएशन होती है तो ये सूर्य नमस्कार एक ऐसा एक्सरसाइज है जिससे इंसान का पूरा बॉडी स्ट्रेच होता है, उस फिजिकली रूप से काफी ज्यादा रिलैक्स मिलता है। इसमें उस जो है तो इस पर्सन जो है उसका ब्लड सर्कुलेशन और उसका ब्रीदिंग एक्सरसाइज और उसका फिजिकल काफी ज्यादा स्ट्रेच होता है, जिससे कि काफी ज्यादा इसमें रिलैक्स मिलता है। मैं तो कहता हूँ हर एक इंसान को जो भी है उसको पर डे जो है तो अर्ली मॉर्निंग 10 सूर्य नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है तो बहुत कुछ रिलैक्स मिलता है इंसान को। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर है लॉफिंग थेरेपी। लॉफिंग थेरेपी लोग करते नहीं, लेकिन लॉफिंग थेरेपी जो है तो स्ट्रेस के लिए बहुत कुछ अच्छा बेनिफिट होता है। उसका जो स्ट्रेस जो रिलीज होता है या एंजाइटी बोले या घबराहट जो होती है सबसे अच्छा रिलीज करने का ये स्ट्रेस ये लॉफिंग थेरेपी क्रिएट होता है। ये इससे जो है तो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं और हार्मोन्स के अलावा इसमें हमारे जो कैटाकोलामाइंस होता है जो इसमें जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो सारी चीजें इसमें प्रभावित करती है, जिससे कि वो अपने आप में ये स्ट्रेस को रिलीज करने में या कम करने में काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। फिर इसमें मेडिटेशन जैसा हमने देखा ही है कि हर जगह कहीं भी होता है कि इसमें हम अपने आप में कहीं एकांत या कोल्ड काल्म जहां इन्वायरमेंट होता है अर्ली मॉर्निंग या 5-5 बजे के आसपास कहीं बगीचा हो या गार्डन होता है, और या हम इवनिंग टाइम में भी कर सकते हैं एकांत बैठकर अपने आप में ये स्ट्रेस जो है तो ये जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें काफ़ी कुछ इसमें एडवांटेज होता है और इसमें हमें स्ट्रेस रिलीज होता है। नेक्स्ट फिर है एरोमाथेरेपी जो है तो है सबसे ज्यादा ये मसाजेस जो बॉडी मसाज के रूप में रहता है कि इसमें बॉडी मसाज में इसमें हम कोई ऑयल रहता है जैसे जो ऑयल आते हैं आजकल मार्केट में उसके थ्रू जो है तो हम इसमें बॉडी मसाज करवाते हैं। इससे भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन और इसमें फिजिकली और मेंटली रूप से हमें काफ़ी रिलैक्स होता है, क्योंकि आज जो कंडीशंस हैं इसमें जो महामारी का दौर है क्योंकि काफ़ी लोग इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं तो ये इसमें काफ़ी कुछ इफेक्टिव रहती है। नेक्स्ट फिर है स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये मेन पार्ट होता है काउंसलिंग में है टॉक थेरेपी, लाइफ कोचिंग, चेंजिंग एंड परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशन, ब्रेक जॉब टास्क इनटू द मैनेजेबल पार्ट्स, सेट रीजनेबल रियलिस्टिक गोल, अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन, डोंट कंप्रोमाइज योर वैल्यू और बिलीफ। इसमें सबसे पहला मेन पार्ट होता है जो मैं कई बार बोलता हूँ, या मेडिकल स्टाफ है या कहीं हमारा नर्सिंग स्टाफ है या कोई अदर स्टाफ है, मैंने अभी पिछले इंटरव्यू में कहा था कि हर पेशेंट का जो भी पेशेंट कोविड में एडमिट होता है या कोविड के लिए आता है तो उसकी सबसे पहली काउंसलिंग होने की सबसे ज्यादा जरूरत करने की जरूरत है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा यदि पेशेंट कोरोना में मारे जा रहे हैं तो वो घबराहट में
या स्ट्रेसफुल कंडीशन में या कोरोना के डर से, क्योंकि अभी लेटेस्ट काफी चीजें आई थी। अभी एक अशोक नगर में हमारे एमपी में एक ऐसा केस हुआ था कि एक पेशेंट जो है तो हॉस्पिटल चेकअप करवाने गया, वहां लाइन में खड़ा था, उसको सिर्फ इस बात से कोलैप्स कर गया वो कि उसको कहीं कोरोना पॉजिटिव ना आ जाए, कोरोना पॉजिटिव ना आने के डर से वो व्यक्ति कोलैप्स किया और वहीं तुरंत एक्सपायर हो गया। अभी लेटेस्ट में हमारे एक सर थे, वो कोरोना से तो ठीक है लेकिन उससे ज्यादा जो है वो घबराहट की वजह से काफी ज्यादा वो एक कोलैप्स कर जाते हैं। क्या होता है इसमें कि इसमें इंसान जो है तो एक साइकोलॉजिकल या मानसिक रूप से अपने आप को इंसान सरेंडर कर देता है कि अब हमें कोरोना तो हो गया, कोरोना होने के साथ साथ हम नहीं जी पाएंगे, हमारी लाइफ यहीं से एंड हो जाती है। एक चीज मैं यहाँ से कहता हूँ कि कोरोना कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है या कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि हमारे ही इंसान लोग, हमारे ही लोगों ने बड़े बड़े महायुद्ध जीते हैं, तो इसमें कोरोना कोई हमारी बड़ी समस्या नहीं है, इसे भी हम जीतेंगे। लेकिन हमें इसको कोरोना से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा हमें फिजिकली रूप से और मेंटली रूप से मजबूत होने की जरूरत है। जो व्यक्ति कोरोना से लड़ता है या कोरोना सफर करता है तो सबसे ज्यादा हमें स्ट्रेसफुल कंडीशन में हमें रिलीज होना है या मजबूत होने की जरूरत है। फिर इसके बाद है इसमें टॉक थेरेपी, जो पेशेंट होता है उसकी हर समस्या या उसकी प्रॉब्लम को हमें समझना है, उससे बात करने की जरूरत होती है, क्योंकि हमें जो है तो जितना ज्यादा हम उससे पेशेंट से बात करेंगे उतने ज्यादा हमारा जो है तो पेशेंट रिलैक्सफुल महसूस करता है, क्योंकि इस समय पेशेंट हर तरह से भयभीत है, वो कई किसी तरह का हमारा पेशेंट जो है तो परेशान रहता है, घबराया हुआ रहता है, तो उसे हमें हर तरह से काउंसलिंग करने की जरूरत है। सबसे अच्छा पार्ट पेशेंट को यदि 50% कोरोना से रिलैक्स करना है तो उसकी सही काउंसलिंग करने की जरूरत है। फिर इसका एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का है कि एक लाइफ में हमें कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है, तो इसमें हमें जो है तो इसका एक संक्षिप्त में है मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मेडिटेशन हमने बोला था कि मेडिटेशन काफी ज्यादा इफेक्टिवली होता है स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए, और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो इससे अच्छा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से अच्छा जो है तो स्ट्रेस का मैनेजमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वे मैंने प्रैक्टिकल किया, ये आप कोई भी करता है, यदि कभी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं हमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना ही करना है चाहे कैसे भी है। फिर एक्सरसाइज या गेट मूविंग एक्सरसाइज का मतलब होता है या हम कोई बॉडी एक्सरसाइज जो हम करते हैं फिजिकली रूप से, या मूवी देखना, या अपने आप को एक उस चीज में एंगेज करना किसी भी चीज में जो हमें मूवी या कुछ ऐसा सीरियल्स देखते हैं, इन सारी चीजों में हमें मैनेज करना। फिर है टाइम इन नेचर या रिलैक्सेशन, हमें हर चीज को इंगेज करना, हम अपना टाइम हर तरह से व्यस्त रखते हैं, हमें अपना हर टाइम फिक्स करना है, सुबह से लेके हमें क्या करना है 5 बजे उठना है तो हमें फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद हमें जो है तो वॉकिंग करना है, योगा करना है, फिर इसके बाद ब्रेकफास्ट करना है, मतलब हर एक इंसान को अपना टाइम मैनेजमेंट करना ही करना है। फिर है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन मतलब हमें बॉडी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज हमें हर तरह से करनी, जैसे हमने बताया था सूर्य नमस्कार, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीजें। फिर स्लीप बेल 3-4, इसमें स्लीप बेल मतलब हमें जब दिन भर हम बिजी रखेंगे, अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो हमें काफी अच्छी नींद आएगी, हमें मिनिमम कम से कम 8 से 10 घंटे सोना ही सोना है, उससे भी हमारा स्ट्रेस काफी फुल काफी तरीके से अच्छे तरीके से रिलैक्स होता है यार रिलीज होता है, हमें रिलैक्स स्ट्रेस से मुक्ति मिलती है। कनेक्ट सोशली ज्वाइन ए क्लब, कनेक्ट सोशली ज्वाइन ए क्लब, इसमें है कि मतलब ये है कि हमें हर तरह से कहीं ना कहीं अपने आस पास अपने पड़ोस या अपने कहीं घर के लोगों के पास लोगों से कनेक्ट रहना है, लोगों से वेबिनार लेना है, लोगों से बातचीत करनी है, या अपने कुछ ऐसे गेम या कुछ ऐसा रिक्रिएशनल थेरेपी टाइप में हमें ड्राइंग करना है, इस तरह से हमें कनेक्ट लोगों से के बीच में कनेक्ट रहना है। ज्वाइन ए क्लब, ज्वाइन ए क्लब मतलब है यदि कहीं अब आजकल तो पैंडेमिक में ज्वाइन कोई क्लब खुला नहीं कोई, तो हमें अपने आप में घर में ही हर तरह से लोगों के बीच में अपना काम करना है, जो अपना वर्कर है, ये सारी चीजें। ईट वेल रिड्यूस कैफिंग, ईट वेल मतलब जो हमें जो भी हमें आज यदि कोविड कंडीशन है या पैंडेमिक या महामारी का दौर है, आज सबसे अच्छी चीज है कि आज हमें शुद्ध खाना खाना है, हर तरह से हमें अपने आप को मैनेज करना है, टाइम टू टाइम खाना खाना, हेल्दी डाइट लेना है, जिस यही एक अच्छा तरीका है कोरोना से बचने का,
क्योंकि आज कोरोना उन्हीं लोगों को होता है जो व्यक्ति जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है और जो व्यक्ति हाई रिस्क कंडीशन में है, कि मतलब जिनका डायबिटीज है ऑलरेडी, कैंसर का पेशेंट है या कार्डियक पेशेंट है, ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, अस्थमेटिक पेशेंट है, ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा डायबिटीज कोरोना होता हमने देखा है। तो इसका सबसे अच्छा है हमें अपना इम्यून पावर जो है तो मजबूत करना। इम्यून पावर कैसे मजबूत होगा, उसके लिए हमें जो है तो खाना, जो भी हम डाइट ले रहे हैं वो डाइट जो है हमारा हेल्थफुल होना चाहिए, हाई प्रोटीन रिच डाइट होना चाहिए, जिससे कि अलग अलग जो शुद्ध खाना या हमारा जो जो एक्सरसाइज वगैरह है, रूटीन वर्क, ये चीजें करने से हमारा जो है तो काफी ज्यादा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और कोरोना से हम बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। फिर है मेक लिस्ट प्रायोरिटी ऑफ टास्क या प्रायोरिटी टास्क। हमें हर काम का एक लिस्ट बनानी है, हमें सुबह से लेके क्या काम करना है, दोपहर में क्या काम करना है, रात में क्या काम करना है। जैसे आज की डेट में हमने देखा है कि जो ऑफिशियल रूप से लोग होते हैं, जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, चाहे कोई कंपनी में हो, चाहे हॉस्पिटल हो या कॉलेज हो या कहीं भी कोई कंपनी में जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो सबसे ज्यादा वो अपने बच्चों को देखने में या अपने घर के काम करने की वजह से वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं। इस कंडीशन में हमें अपनी एक लिस्ट बनानी है, लिस्टिंग तैयार करनी है, जिससे कि हमें अपने जो है तो हमें अपना काम सही तरीके से कर सके। फिर है कॉपिंग स्ट्रेटजी ऑफ स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। कॉपिंग का मतलब होता है स्ट्रेस के साथ कैसे एडजस्ट करना है, या कौन सी ऐसी रणनीति है जिसके तहत तो हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो पहला है अनहेल्दी वे टू कॉप विथ स्ट्रेस। लोगों को देखा होगा, आसपास के लोगों को हम देखते हैं या हम घरों में देखते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि बोलते हैं कि यार आज हमने चाय नहीं पी, सुबह से चाय नहीं पी तो हमारा तनाव बढ़ता जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार हमने चलो आज टेंशन हो रही है, काम का हमारा काफी ज्यादा टेंशन हो रहा है, एक सिगरेट फूंक के आते हैं। कुछ बोलते हैं अल्कोहल, दारू पीने के लिए, ये सारी चीजें रहती हैं, तो लोग अपने आप को इस तरह से मैनेज करते हैं। तो ये एक तरह से रॉन्ग वे है, इससे हमारा हेल्थ फिजिकली और मेंटली रूप से और नुकसान होगा। तो ये हमारे एक तरह से इसके भी हम इसमें कॉपिंग विथ स्ट्रेटजी करते हैं। फिर है कॉपिंग स्ट्रेटजी ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट है इसमें अदर्स में है गेट मूवी, एंगेज सोशली, मेक टाइम फॉर फन एंड रिलैक्सेशन। हमें अदर तरह से, जैसे दूसरे तरीके से भी हमें स्ट्रेस से मैनेज करना है तो इसमें हमें मूवी वगैरह, हमें हर तरह से सोशली कनेक्ट करना है। और दूसरा इसमें मेन है जो हेल्दी तरीके से हमें कैसे स्ट्रेस से अपने आप को छुटकारा पाना है या मैनेज करना है, तो इसमें सबसे अच्छा तरीका है 4A का हम यूज करते हैं। अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस, अल्टर द सिचुएशन, एक्सेप्ट द थिंग्स यू कैंट चेंज, अडॉप्ट टू द स्ट्रेसर। इसमें सबसे अच्छा तरीका, यदि हम सबसे स्ट्रेस से हमें करना है हर चीज को, जो भी स्ट्रेसफुल वाली सिचुएशन या कंडीशन है या स्टिमुलस या ऑब्जेक्ट है, उसको हमें अवॉइड करना है। अवॉइड करने के साथ अवॉइड करना है, यदि वो अवॉइड नहीं हो पाता तो हमें फिर उस कंडीशन को ही बदल देना। यदि हमें किसी जॉब से हमें टेंशन हो रही है, जॉब से हम परेशान हो रहे हैं, तो हमें जॉब ही चेंज कर देनी है। ये जॉब में नहीं हो पा रहा तो फिर हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्ट करेंगे तो फिर उस चीज को हमें उसी जॉब में अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उसको हम, ये होता है 4A स्ट्रेटजी। फिर है सेल्फ कंट्रोल थ्रू द सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ कंट्रोल थ्रू द सेल्फ मोटिवेशन में है कीप लर्निंग, स्टे पॉजिटिव, स्टॉप ओवर थिंकिंग, नो योर सेल्फ, हेल्प अदर, ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपने हर चीज को, हमें कोई भी चीज में हमें सीखते रहना है, जिस क्षेत्र में हो आप, चाहे नर्सिंग फील्ड में हो, चाहे मेडिकल फील्ड में हो, चाहे नॉन टीचिंग फील्ड में हो, या किसी भी चीज में हमें अपने आप से इंगेज करना है, चाहे बुक पढ़ना है या कुछ भी रहे, स्टेप पॉजिटिव हमेशा सोचना है, पॉजिटिवली सोचना है। आज ये पैंडेमिक सिचुएशन है, इसमें हमें निगेटिव में नहीं जाना, हर चीज में कौन मरता है क्या होता है हमसे कोई लेना देना नहीं, हमें अपना काम करना है, क्योंकि जो इस दुनिया में आया है वो आएगा, जो जा रहा है जिसे जाना है वो जाएगा, लेकिन हमें इसमें हर तरह से पॉजिटिविटी रखना। फिर इसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट में है
कि देखिए स्ट्रेस भी दो तरीके से हमने शुरू में बोला था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस में इस हर स्ट्रेस भी यदि इंसान को नहीं होगा तो लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो उसका सेम कंडीशन है, फिजिकल हेल्थ गेट बेटर मोर एनर्जी एंड स्टेमिना। इमोशनल स्टेबलाइज में है पॉजिटिव एटीट्यूड, होपफुल, हैप्पियर, एबिलिटी टू फोकस, इम्प्रूव, एबल टू लर्न एंड अचीव। हर चीज में हमें पॉजिटिविटी में यदि हम सोचते हैं तो हमें, बहुत से लोग हैं जो पॉजिटिव वे पे लेते हैं, आज बहुत तैयारी करना, जो हमें मेन एग्जाम है, जो जिस स्थिति में के रहता है, हर तरह से हम तैयारी करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं फायदा होता है, या हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें एनर्जेटिक होते हैं। फिर इसके बाद है नेक्स्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन नर्सिंग। नर्सिंग में हमें कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट है, अब चूंकि मैं नर्सिंग से फील्ड से हूँ तो मुझे एक पॉइंट मैंने लिखा है कि हम नर्सिंग में जो है तो कैसे स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना है, क्योंकि आज हमारा नर्सिंग क्षेत्र है सबसे ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन में होता है। किसी का जॉब से रिलेटेड है, कहीं जॉब ब्रेकडाउन हो गया, जॉब छूट गया, या कॉलेज वालों ने हटा दिया, या हॉस्पिटल वालों में निकाल दिया, या कोई डेथ हो गया, कोई कोरोना के डर से है, कहीं ना कहीं हर तरह से हमारा नर्सिंग फील्ड जो है स्ट्रेसफुल कंडीशन में जी रहा है, क्योंकि हर तरह से कहीं ना कहीं शोषण होता है। उसके लिए हमें कैसे मैनेजमेंट करना है, कीप थिंग्स इन पर्सपेक्टिव एंड प्रायोरिटी, शेयर योर वरीज विद फैमिली और एंड फ्रेंड, डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, इंक्रीज नॉलेज हेल्प टू एलिवेट स्ट्रेस, मेक प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सेट रियलिस्टिक गोल, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड ईट हेल्दी डाइट, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक, थिंक पॉजिटिव एंड एंजॉय न्यू एक्सपीरियंस। हमें हर तरह से पॉजिटिविटी, हमें हर आज नर्सिंग स्टाफ को नर्सिंग में कैसे मैनेजमेंट करना है, हर तरह से हमें पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी, अपनी प्रायोरिटी, हमें अपना काम क्या करना है, कैसे करना है, खुद से करना है, और अपना नॉलेज इंक्रीज करना, हमेशा जो हमारा गोल है, जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, वो सारे चीज़ें हमें पहले फिक्स करना है, फिर क्या करना है, वो सारी चीज़ों का हमें कर एक स्ट्रेस को जो है उससे रिलीज करना है या रिलैक्स मिलता है, एक्सरसाइज रेगुलरली, ईट हेल्दी डाइट, हमें जो है तो रूटीन में जैसे हमने बोला है कि अर्ली मॉर्निंग, आज के डेट में नर्सिंग के साथ साथ हर एक इंसान को सुबह अर्ली मॉर्निंग बॉडी एक्सरसाइज करना ही करना है, योगा, कम से कम अपनी फिजिकल हेल्थ को एक घंटे का समय देना है, तो ये, और थिंक पॉजिटिविटी एंड एंजॉय न्यू एक्सपीरियंस, इसमें जो है तो हमें पॉजिटिविटी तरीके, ये हर तरह से हमें पॉजिटिव सोचना है, एंजॉय न्यू एक्सपीरियंस हर, तो हमने बोला एवरी मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस। आज नर्सिंग स्टाफ से मैं बोलना चाहता हूँ कि ये एक आपका गोल्डन चांस है, गोल्डन टाइम है कि हम आप कभी जिंदगी में अपने बीवी बच्चों से, आप भी आने वाली जनरेशन से आप इतना कह सकते हो कि हमने भी लड़ा था कोरोना महामारी से, उस दौर में हमने भी ड्यूटियां की थी। इस तरह से हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है, इस तरह से हमारे अंदर पॉजिटिविटी रखनी है, लोगों को केयर करना, क्योंकि कोरोना कोई इतना बड़ा वो नहीं है जिससे हम नहीं लड़ सकते, दुनिया के हर चीज से लड़ सकते हैं, तो कोरोना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी पॉजिटिविटी के साथ हर नर्सिंग स्टाफ को काम करना है। फिर है स्ट्रेस साइकिल। स्ट्रेस साइकिल में है कि इसमें हर तरह से एक सीरियल बाय सीरियल है कि कैसे कैसे हमारे अंदर स्ट्रेस हावी होता है, तो स्ट्रेस का प्रभाव होता है, तो सबसे पहले मसल्स कॉन्ट्रेक्शन या मसल्स टेंशन, फिर है इसमें न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्रीज, हमारी जो जैसे जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में सर्वाइव करता है उसकी न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी जो है तो इंक्रीज हो जाती है, सर्कुलेशन इज डायमिनिस्ट, हमारा जो सर्कुलेशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा डायमिनिस्ट हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, जिससे हमारा स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है। फिर ये कार्टिसोल लेवल, जो कार्टिसोल का लेवल होता है हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, टॉक्सिन प्रोडक्शन इंक्रीज जो है तो हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स मटेरियल्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ता है, पेन वीकेंड इम्यून सिस्टम। हमने बोला था कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में जो हमने कॉजेस बताए थे, स्ट्रेसफुल कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, कमजोर होता है, इस और पेनफुल कंडीशन या पेनफुल हमारी लाइफ होती है। और याद के डेट में यही है कि यदि आपका इम्यून सिस्टम हुआ तो उधर कोरोना बाबा बैठे हैं कि जैसे इनका स्ट्रेस कम
इम्यून सिस्टम कमजोर हो हम इनके ऊपर अटैक कर दे, सबसे पहले हमें स्ट्रेस फुल कंडीशन में इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना है। फिर है कंक्लूजन, स्ट्रेस कैन हैव कॉन्सिक्वेंस फॉर बियॉन्ड टेम्पोररी फीलिंग्स ऑफ प्रेशर, व्हाइल यू कैन अवॉइड स्ट्रेस यू कैन लर्न टू मैनेज इट एंड डेवलप स्किल टू कोप विद द इवेंट और सिचुएशन। यू फाइंड स्ट्रेसफुल बाय लर्निंग कोप विद स्ट्रेस एंड बाय रिकॉग्नाइजिंग सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड वार्निंग साइन ऑफ सुसाइड। यू विल बेटर प्रिपेयर टू हेल्प नॉट ओनली दस योर सेल्फ बट ऑल्सो फ्रेंड फेलो स्टूडेंट एंड सोल्जर्स यू विल सम डे एंड लीड्स। आज हमें इस तरह से